वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईकैप की आटम 2018 की अटेम्प्ट में कंपनी लॉ का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है फ्राया लिमिटेड। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। फ्राया लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स इन लाहौर। FL इज प्लानिंग टू अपॉइंट गुल महर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। During an interview with Gulmahar, he disclosed to the board that his wife Mona is running a corporate brokerage house in Lahore and that his son Sultan, who is a business graduate, is engaged in the business of selling plastic bottles in Multan. अब यहाँ पर दो इशू हैं, एक corporate brokerage house का और दूसरा इशू जो है वो competing business यानी selling plastic bottle. Gulmahar also disclosed to the board that he sometimes provides technical assistance to Sultan without any charge, यानी वो अपने बेटे को कुछ गाइडेंस भी इस सिलसिले में प्रोवाइड करते रहते हैं। Under the provisions of Companies Act 2017, explain whether FL can appoint Gulmahar as the CEO of the company. तो क्या उनको चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है? यानी इसमें जो मेन पॉइंट है वो तो ये है कि किसी भी पर्सन को एक कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते वक्त ये देखना चाहिए कि क्या वो डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट उनको किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी शख्स को डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता तो फिर उसको चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अ पर्सन हु इज इनएलिजिबल टू बिकम डायरेक्टर ऑफ कंपनी और हैज बीन डिस्क्वालिफाइड टू बी डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। ये तो बेसिक रूल हो गया। अब अगर हम जाते हैं तो दो जो इश्यूज हैं, कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस वाला और दूसरा कंपीटिंग बिजनेस वाला। तो पहले मामले पे देखें तो कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस की जो रिस्ट्रिक्शन है कि अगर स्पाउस कॉर्पोरेट ब्रोकरेज बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो 1% डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो सिर्फ अप्लाई होती है लिस्टेड कंपनी पर, जबकि FL जो है वो अनलिस्टेड कंपनी। इसलिए हमारा आंसर है कि पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी इफ द पर्सन हिमसेल्फ और द स्पाउस ऑफ सच पर्सन इज इंगेज इन द ब्रोकरेज बिजनेस। इन गिवन सिनेरियो FL इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, देयरफॉर गुलमहर इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, यानी कोई इनएलिजिबिलिटी अराइज नहीं हो रही और इस वजह से उनको CEO बनने से नहीं रोका जाएगा। दूसरी जो बात है वो है सेलिंग प्लास्टिक बॉटल्स की, यानी कंपीटिंग बिजनेस की। तो इस सिलसिले में जो रूल है वो ये है कि अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पब्लिक कंपनी, जो कि FL भी पब्लिक है, शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस विद द बिजनेस कैरीड ऑन बाय द कंपनी ऑफ विच ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। और इसमें इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर वो बिजनेस चीफ एग्जीक्यूटिव की स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन का। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात देखते हैं तो सुल्तान की जब बात हो रही है तो सुल्तान इज अ बिजनेस ग्रेजुएट और हिज फादर इज अलाइव, जो हम बात कर रहे हैं गुलमहर की। सो इट इज मोस्ट लाइकली के सुल्तान की जो एज है वो 18 ईयर से ज्यादा होगी एंड ही वुड नॉट बी अ माइनर चिल्ड्रन। सो इन द गिवन सिनेरियो सुल्तान इज नॉट अ माइनर सन ऑफ गुलमहर, इसलिए जो कंपीटिंग बिजनेस के अंदर इंगेज होना यहां पर कंसिडर नहीं होगा और गुलमहर इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ FL। तो जो दोनों इशूज यहाँ पे डिफाइन किए गए उसकी वजह से एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर जो FL है उसमें गुलमहर की CEO के तौर पे अपॉइंटमेंट में कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होता एंड ही इज स्टिल एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दैट्स ऑल फॉर टूडे, हैव अ गुड डे।